जय श्री अमरनाथ जी। आज सुबह हम पंचतरणी में है, 2 तारीख है, आज 2 जुलाई है, और साथ में आप सभी को बता दूं, मौसम से जुड़ी भी आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, साथ ही यहां से जुड़े काफ़ी लेटेस्ट अपडेट भी देने वाला हूं। कल हम चंदनवाड़ी से पैदल चले थे और शाम को बहुत ही आराम से हम पंचतरणी पहुँचाए थे, पर आप स्टेप बाय स्टेप यात्रा करिएगा शेषनाग से, क्योंकि शेषनाग से आगे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप यात्रा करिएगा, ठीक है। और अभी आपको पंचतरणी का व्यू दिखाता हूँ लेटेस्ट, और इसके बाद मौसम भी दिखाता हूँ, मौसम कैसा बना हुआ यात्रा में। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को, और आप सबको बता दूँ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये है यहाँ का लेटेस्ट व्यू, तो आपको बता दूँ ना टेंट रेट लिस्ट, ठीक है, खासकर लोग टेंट रेट लिस्ट को भी बात करते हैं, तो आपको टेंट रेट लिस्ट भी बताने वाला हूँ। तो ये देखिए ऊंचे पहाड़, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ आपको बता दूँ ये दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ से आगे शेषनाग के रास्ते पोषपत्री से ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। ये है भंडारे, और यात्रा बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है, यहाँ से 4:30 बजे से यात्रा की तैयारियाँ हो जाती हैं और 5 बजे तक यात्रा शुरू हो जाती है यहाँ से। तो इसीलिए आप सभी को बता दूँ कि आगे की ओर देख रहे हैं आप, यहाँ से आगे गुफा की ओर रास्ता जाता है, और अभी आपको जो दिखा रहा हूँ मैं व्यू, ये है पंचतरणी बेस कैंप के। और टेंट रेट लिस्ट की बात कर दी, तो टेंट रेट लिस्ट जो है वो हमें तो पूरा टेंट जो था वो मिल गया था, कितने का कि अपना 650 पर ऐड करके हमने पूरा एक टेंट ही बुक करवा दिया था यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए टेंट मार्केट है यहाँ की, और ये देखिए पहाड़, उसके बाद वो आगे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यात्रा शुरू हो गई है अभी सुबह। तो यही टेंट्स रहते हैं जिनमें आपको रुकना होता है, और सामने की ओर वहाँ आगे हेलीपैड है, ठीक है, हेलीपैड यानी कि जो हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको भी इसी रास्ते से आना होता है, एंड अगर उनको देर हो जाती तो यहीं इसी बेस कैंप में रुकना होता है। ये देख रहे हैं आप, ये बेड वाले टेंट हैं, ये 650 रुपये करके पर हेड है, और फ्लोर बेड वाले भी हैं, फ्लोर वाले भी हैं। एंड इसके बाद आगे का व्यू देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, हेलीकॉप्टर से भी आप यहीं तक आ सकते हैं। एंड कुछ इस तरह का अपडेट है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है, कोई भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रात्रि समय में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, साथ में क्या है कि अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी श्रद्धालु देखेंगे सबको गर्म कपड़े हैं, रात में थोड़ी बहुत शेषनाग से कम आपको यहाँ पर दिखेगी वो जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी देखने को मिलेगी। और ये देखिए मुंह से किस तरह का धुआं निकल रहा है ठंड का, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब कि विंटर सीजन जैसे ठंड है यहाँ पर। ये देखिए जैसे कोई कहे कि कोई किसी ने धूम सिगरेट पी हुई है, देखिए यहाँ पर धुआं जैसे चल रहा है, इससे आपको पूरा पता चलता होगा कि ठंड किस तरह की है, ठीक है। ये देखिए